Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. Hello student, this is Vandana Grover, और आज मैं आपको क्लास नाइन्थ की पोयम नो मेनार फॉरन बाय जेम्स किरकप की हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूंगी. डियर स्टूडेंट, इस पोयम के थ्रू कवि ने ये मैसेज दिया है पोएट ने हमें कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, एक हैं, हमको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए. आइए देखें इसकी लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरन, बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस in which we all shall lie. Remember, no men are strange. हमेशा ये ध्यान रखो, ये याद रखो कि कोई भी व्यक्ति अजीब या असामान्य अलग नहीं है. No countries foreign, कोई भी देश विदेश जैसा नहीं है. Beneath all uniforms, सभी पोशाकों में, यूनिफॉर्म्स मीन्स यहाँ आपका हो जाएगा आपका पोशाक, सभी ड्रेसेस में, सभी पोशाकों में, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक अकेली बॉडी रहती है, श्वास लेती है. कैसी होती है वो बॉडी? लाइक ओवर्स, हमारे शरीर की तरह. द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, और वो देश, वो जमीन जहाँ हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वह भी इसी पृथ्वी की तरह है, इसी जमीन की तरह है. इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें, जिस धरती में हम सबको मरने के बाद दबा दिया जाएगा. एक बार फिर देखते हैं इसको. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरन, बिनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. हमेशा ये ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति अजीब असामान्य नहीं है, सब एक जैसे हैं. नो कंट्रीज फॉरन, कोई भी देश विदेश जैसा नहीं मानो. बिनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, सभी यूनिफॉर्म में, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसी बॉडी श्वास लेती है, मतलब सबका शरीर एक जैसा है. जब शरीर में हमारी समानता है, सब कुछ एक जैसा है, तो फिर एक दूसरे से द्वेष क्यों? कभी यहाँ पर पोइट यही बोलना चाहता है. लाइक ओवर्स, हमारे शरीर की तरह ही उसमें भी श्वास लेती है बॉडी. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और हमारे भाई जिस जमीन पर चलते हैं, इज अर्थ, वो भी जमीन है, लाइक दिस, इस पृथ्वी की तरह. इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें कि हम सारे मरने के बाद दबा दिए जाएंगे. सेकेंड पैरा, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter stripped. कह रहे वे सब भी aware of sun and air and water, वे सब भी सूरज वायु और हवा का, सॉरी सूरज वायु और जल का उपयोग करते हैं हमारी तरह. भाई उनको भी, उनके भी बेसिक नीड्स ये हैं, तो फिर क्या डिफरेंस है, क्यों हम ऐसे करते हैं? आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और उन सबका भी पेट शांतिपूर्ण बोई गई फसलों के द्वारा होता है, फसलों से प्राप्त अन्न के द्वारा होता है. जैसे हम खाते हैं वैसे वो खाते हैं. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्ट्रेप्ड, या फिर कई बार क्या होता है कि सर्दी के कारण, और सर्दी के कारण खाना ना मिलने पर, किसी भी कारण से भोजन की प्राप्ति न होने पर, जिस तरह से हमारे यहाँ मनुष्य भूख से पीड़ित होते हैं, भूख से संघर्ष करते हैं, ठीक वैसे ही वे भी करते हैं. तो देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, उनके हाथ हमारे जैसे हैं और उनकी लाइन्स में हम पढ़ते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ते हैं. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ऑन, और उनके जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं वहाँ के लेबर, वो भी बिल्कुल भी हमारे मजदूरों से अलग नहीं है. मीन्स सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है. थर्ड पर आते हैं. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, दे वे दैट वेक और स्लीप.
ध्यान रखो कि उनकी भी आंखें हैं हमारी आंखों की तरह से, वो आंखें जो जागती हैं या सोती हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी वो शक्ति है जिसको लव प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जमीन पर एक सा जीवन है, दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई समझ सकता है और पहचान सकता है. क्या कहा उन्होंने कि और जो मनुष्य हैं दूसरे देशों के, उनकी भी आंखें हमारी जैसी हैं, उनकी आंखें भी जागती हैं और सोती हैं, एंड उनके पास वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है जिसको हम प्रेम के थ्रू जीत सकते हैं. तो फिर ये तो फिर हमारे से सिमिलरिटी हुई, उनकी बिल्कुल हमारे जैसे हैं. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जमीन पर सामान्य जीवन है, दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको सारे को पहचाना और समझा जा सकता है. इन शॉर्ट यहाँ पर भी कवि ने कहा क्या कि सब कुछ हम लोगों का एक जैसा है, चाहे वह हमारा बॉडी पार्ट हो, आईज हो, चाहे हमारी एक लैंड हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक जैसा है. नेक्स्ट पैरा, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज अवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडम्स रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. कह रहे हमेशा याद रखो कि जब कभी हमसे कहा जाता है इसलिए कि अपने भाइयों से हम घृणा करें, अपने भाई हमारे इस प्रदेश में, इस देश में या किसी दूसरे देश में रहने वाले लोग, जब कभी हमसे ये कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें, तो क्या बोल रहे हैं आगे, इट इज आवरसेल्व्स, ये हम खुद हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, जो क्या करेंगे, अधिकार छीनेंगे सामने वालों के, बीट्रे उनको धोखा देंगे, एंड कंडम्स और उनकी आलोचना ही करेंगे. हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए या अपने आप को श्रेष्ठतम उच्च दिखाने के लिए सामने वाले की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उसके अधिकार भी छीनने की कोशिश करते हैं. अरे ये तो भाई भाई में भी देखने को मिलता है, फिर एक देश और दूसरे देश की तो बहुत दूर की बात है, सामान्य बात है, वहाँ तो कॉमन ही है ऐसा होना. तो कह रहे हैं कि रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम ही वो हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार भी उठा लेते हैं. तो मतलब हथियार उठाने वाले आमने सामने खड़े व्यक्ति एक जैसे हैं, फिर क्यों, किस बात की लड़ाई, क्यों ना हम मिलके रहें इस पृथ्वी पर सभी. अब देखेंगे लास्ट पैरा, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स प्रदूषित करना, दूषित करना, खराब करना. तो कह रहे हैं कि ये मानवीय पृथ्वी है जिसको हम प्रदूषित करते हैं, खराब करते हैं. Our hells of fire and dust outrages the innocence of air. और जो हमारी अग्नि और धूल है उसके मानो नर्क, उसका नर्क वायु की, वायु एयर हवा की इनोसेंस भोलेपन को, उसकी स्वच्छता को खत्म करता है. That is everywhere our own, जो कि हर जगह, वो हवा जो हर जगह हमारी अपनी है. देखिए हवा में, वायु में कोई बंटवारा नहीं होता, वो तो सबकी अपनी है. तो कह रहे हम खुद ही उस वायु को, उस हवा को भी दूषित करते हैं, खराब करते हैं. रिमेंबर नो मैन आर अवर आर फॉरन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. ध्यान रखिए हमेशा कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, बाहर का नहीं है, और कोई भी कंट्री अजीब, असामान्य, या आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि नया, अलग नहीं है, सब एक है. तो इस तरह से हम देखा कि ऊपर से नीचे तक, स्टार्टिंग टू एंड, द पोएट्स ट्राई टू मेक इट क्लियर दैट ऑल आर वन. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी. तब तक के लिए बाय. ध्यान रखिएगा, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा. ओके बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो में.